गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज हम पैदल यात्रा के साथ कार तक जाएंगे, फिर वहाँ से कार से कोचिंग तक जाएंगे। तो हमारे साथ में जगदीश सर है और राज सर। तो राज सर गाड़ी लाने गए और हम यहाँ वेट करेंगे अभी। तो हेलो गाइस, आप देख रहे हो। तो आज की जर्नी यहाँ से स्टार्ट होती है, गाड़ी यहाँ तक आएंगी जहाँ हम खड़े हैं। तो इस तरफ से मैं बैठ जाऊँगा और बुक्स वगैरह इतने सारे लेके जा रहे हैं, बैग में भरा हुआ, पढ़ाई बहुत करनी पड़ेगी। तो चलो हाँ, सीधे हम कोचिंग में जाकर मिलते हैं। और अब गाड़ी ये लग रही है तो सीधे कोचिंग में जाकर मिलते हैं। तो दोस्तों मैं कोचिंग पहुंच गया था टाइम पे, मतलब 8 बज गए थे। तो हे गाइस, हम पहुंच गए कोचिंग और कोचिंग में भी इंटर पहले हो चुके थे, लेकिन वीडियो की स्टार्टिंग बाहर से करेंगे क्योंकि हम कार से उतरे उसके बाद सर अंदर चले गए और हम कार में रह गए। तो चलो कोई नहीं, कार हमारे साथ पीछे खड़ी है और हम यहाँ स्कूटी पे बैठे हैं। तो अब चलते हैं, इंटर होते और आपको बताते हैं यहाँ कोचिंग का नज़ारा। तो चलो चलते हैं। नीट की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, रजिस्ट्रेशन भी चालू है। और जैसे कि आपको नीट की तैयारी करना है तो आप यहाँ पे ज़रूर विजिट करें और पधारे, तो आपका स्वागत है, वेलकम है। तो चलो कार्यक्रम बढ़ाते हैं और चलते हैं अब क्लास की तरफ। कोई एक शेर क्या है, शेर के सामने छोटे मोटे जंतु अगर आ गए तो क्या करेगा, सबसे पहले उसको निपटाने का काम करेगा, निपटाएगा सबसे पहले। एक होता परजीवी और एक तो दोस्तों ये है अपना ऑफिस, और ऑफिस मतलब अपना कार्यक्रम यहाँ से स्टार्ट होता है, जो अपनी क्या बोलना चाहिए दुनिया। तो अपनी दुनिया कंप्यूटर है और कंप्यूटर मतलब मेरी दुनिया। तो चाहे कुछ हो जाए, कंप्यूटर चलाए भी अगर अपना दिन कटता नहीं है, रात भी नहीं कटती है। तो चलो सभा को यहीं समाप्त करते हैं और चलते बाहर। और इसके लिए चलो दवाई लेके आ जाता हूँ मैं तब तक। तो दोस्तों आपने देख लिया होगा कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त नहीं करते, तो आप बाहर का नज़ारा देख सकते हैं। बाहर बोले तो ये साइड में बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ सामने पार्किंग सुविधा है। तो आप देख सकते हैं गाड़ी वाड़ी यहाँ पे खड़ी हो जाती है। अब बाकी सृष्टि कंप्यूटर से आप मेडिटेक तरफ आ रहे हो तो सामने से ये जो रोड है वहाँ से आके हम बाय लेफ्ट साइड में बिल्डिंग है यहाँ पे। और बाई चांस आप इधर LIC ऑफिस के तरफ से आ रहे हो तो राइट साइड में पड़ेगा। तो बाकी कुछ नहीं, और सामने में पार्क वार्क है। तो ये पार्क वार्क बहुत ही सुंदर लगता है शाम के समय, मतलब क्या बोलना है सुबह से शाम तक। और LIC ऑफिस के सामने से आएंगे तो ऐसे सामने में बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग में कोचिंग लगती है। और दोस्तों आपने इतना सारा सब कुछ देख लिया है तो कोचिंग करना है तो आ सकते हैं नीट की, यहाँ पर नीट की कोचिंग करवाते हैं। और जैसे कि LIC ऑफिस के 100 मीटर के आगे में राइट साइड में कोचिंग भी राइट साइड में पड़ता है। और फ्लेक्स फ्लेक्स सब कोचिंग का नाम वाम सब है, तो आप विजिट करने आ सकते हैं अभी। और हो सकता है आप MP पुलिस की तैयारी या नीट करना चाहते हैं तो नीट का रजिस्ट्रेशन चालू है 25 तक, और उसके बाद ऑफ हो जाएगा क्योंकि सीमित सीट रहती है यहाँ पर, लिमिटेड सीट। तो जल्दी से देर ना करें, जल्दी आइए और रजिस्ट्रेशन करवाइए और नीट की तैयारी करें। तो दोस्तों नकुल आ रहा है तो हम स्टेशन जा रहे हैं अभी, और उसके बाद कोचिंग से सीधे। तो आज का माहौल थोड़ा इस प्रकार का है, देख सकते हैं मार्केट वार्केट का।
और जैसे कि बताना चाहूँगा कि आज धूप निकली हुई है और शाम में धूप बारिश में कन्वर्ट हो जाएगी। तो नकुल से क्यों मिलने जा रहे हो? तो नकुल भाई ने अपने लिए सरप्राइज़ के साथ कुछ खाने पीने का इंतजाम किया है, तो हमारे साथ में राम और मैं जा रहा हूँ। ये श्री होटल श्री कृष्ण होटल है और ये आवश्री होटल है जो कोटक बैंक के साइड में। तो चलो हम वही रोड से जा रहे हैं डागा फाउंडेशन के सामने से, तो चलते हैं। आज मार्केट खुली हुई है, हल्की हल्की धूप निकली हुई है, तो चलो सीधे मिलते हैं आपको स्टेशन में। तो दोस्तों हम स्टेशन पहुंच गए अभी और हमारी गाड़ी थोड़ी ट्रांसफ़र एरिया में आ गई है, तो उसको थोड़ा बाहर रख के आ जाते हैं। तो अभी नकुल आ ही रहा है पातालकोट से, बाकी यहाँ पे स्टेशन में अलग अलग रूल हो गया है शायद, तो देख लेते हैं। तो दोस्तों हम चलते हैं स्टेशन और नकुल भाई से मिलते हैं। नकुल को कॉल का और पूछ किधर आगे में है कि सामने में। अरे हाँ यार, ये और डिब्बा भी पूछ ले। तो नकुल से अभी पूछ रहे हैं हम कि कौन से नंबर के डिब्बे में है वो, उसके बाद हम जाते हैं, उसका वेट करते हैं। वेट करना पड़ेगा 5-10 मिनट क्योंकि ये गाड़ी के बाद ही वो गाड़ी आएगी। तो ये बैतूल स्टेशन है दोस्तों, बड़े दिनों के बाद आए और बड़े दिनों के बाद नकुल के बहाने नकुल जा रहा है भोपाल, सामान दे देगा, सामान ले लेंगे और सीधे हम निकल जाएंगे। चलो कोई नहीं, आपको दिखाते हैं नकुल कब तक आता है, कौन सी ट्रेन से आता है, सब देखने को ये मोबाइल में मिलेगा। तो चलो कोई नहीं, चलते इधर। तो दोस्तों हम नकुल से मिलने आए हैं और वो आ रहे हैं पातालकोट से, तो उनसे मिलेंगे और टिफ़िन लेते हैं। तो नकुल भाई ने टिफ़िन लेके आया ही होगा और मिलते। तो चलो वेट कर लेते हैं पातालकोट के हम, तब तक कब तक आते हैं नकुल भाई। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बैतूल ज़िले का तिरंगा झंडा, तो आप देख सकते हैं। और ये ट्रेन है दानापुर एक्सप्रेस, तो हम स्टेशन में हैं बैतूल ज़िले के। तो आप देख सकते हैं इतना प्यारा लग रहा है झंडा और मैं यहाँ से वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों नकुल से हमने सामान ला लिया और उनसे मिल भी लिया, लेकिन स्टेशन का जो वीडियो बनाया था तो पुलिस वाले ने डिलीट करवा दिया, उनने पकड़ लिया हमको, तो उनका वीडियो हमने डिलीट कर दिया स्टेशन वाला। बाकी कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टिकट विकेट पूछ रहे थे हमसे और बाकी बोल दिया कि वीडियो शूट करते, पर स्टेशन का कुछ भी नहीं आने दिया उनने। तो चलो कोई नहीं, थोड़ा सा फ़ोटो खींच लेता हूँ मैं। बैतूल स्टेशन का तिरंगा झंडा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आज का समय का पता ही नहीं चला और मैं अभी ऑफिस में बैठा हूँ और यहाँ पे 6:30 बज गए। मतलब कंप्यूटर के सामने ऐसा लगता ही नहीं कि अब बाहर भी नहीं गया इधर की छुट्टी हुई कि नहीं हुई। तो चलो आप मिलते हैं नए वीडियो नए ब्लॉग के साथ। और अभी 6:30 बज गए तो काम के चक्कर में ब्लॉग का एंड करना भूल गया मैं। तो चलो टाटा बाय बाय।